उत्तराखंड की वादियों में एक नई तकनीकी क्रांति की लहर है। देहरादून के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट बीकानेर वाला में अब आपको खाना परोसने वाला कोई आम वेटर नहीं बल्कि एक रोबोट वेटर आलिया मिलेगी, जो अपनी अनोखी सेवाओं के साथ ग्राहकों का दिल जीत रही है। आलिया, जिसे विदेश से आयात किया गया है, देहरादून के बीकानेर वाला में एक खास आकर्षण है। इस रोबोट वेटर के दो हाथ होते हैं जिनमें वह खाने की थालियां सजाकर लाती है। आलिया को विशेष रूप से मैग्नेटिक पद पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे वह बिना किसी रुकावट के ग्राहकों तक खाना पहुंचा सके। आलिया न केवल खाना परोसती है बल्कि ग्राहकों का स्वागत करती है, उन्हें धन्यवाद देती है और अगर कोई उसके पथ में आता है तो वह विनम्रता से रास्ते से हटने का आग्रह करती है। इसकी इंटेलिजेंट पथ फाइंडिंग तकनीक उसे बिना किसी मदद के रेस्टोरेंट में सही टेबल तक खाने पहुंचाने में सक्षम बनाती है। जी, आलिया एक रोबोट है और इसके जो टेक्निक है, जो सिस्टम है, बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं ये एक मैग्नेटिक रेल बनी हुई है। ये इस मैग्नेटिक रेल पे चलती है, जो इसको अपने कारपेट से एक थोड़ा सा वो करा हुआ है। इस कारपेट के नीचे है मैग्नेटिक रेल और इसमें जो सिस्टम है वो यही है कि जैसे ही हम मान लीजिए किसी भी टेबल का ऑर्डर है तो वेटर्स इस पर वो रखते हैं और टेबल में मान लीजिए टेबल नंबर 10 या टेबल नंबर 11 पे आना है तो उसमें फीड हो जाता है टेबल नंबर 10। फिर ये फूड लेके आती है, टेबल नंबर 10 पे रुकती है और गेस्ट को बोलती है कि आपका खाना आ गया। और वो तो हम आलिया के बारे में अगर कहें तो आलिया क्या बात भी करती है? जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये ब्लिंक कर रही है, आँखें जो है झपक रही है, तो क्या बात भी करती है? ये क्या कुछ कमांड इसको दी जाती है और किस तरह? आलिया जो बात करती है वो खाने के लिए बोलती है कि आपका खाना आ गया है और उसके एक ये विश करती है कि हैव अ हैप्पी मील, बस यही इसमें फीचर। रेस्टोरेंट के मालिकों और ग्राहकों के अनुसार आलिया की उपस्थिति ने न केवल खाने के अनुभव को अद्वितीय बना दिया है बल्कि ये बच्चों और बड़ों के लिए एक मनोरंजन का स्रोत भी बन गई है। रोबोट द्वारा खाना परोसे जाने की नवीनता ने रेस्टोरेंट की लोकप्रियता में भी वृद्धि की है। ये जब हम विदेश जाते थे, विदेश यात्रा करते थे, तो वहाँ के रेस्टोरेंट्स में हम ये देखते थे कि वहाँ के लोगों को ये रोबोट वेट्रेस जो है सर्व करती है, तो हमें लगा कि क्यों ना जो सुविधाएं विदेशों में मिल रही हैं वो सुविधा हम देहरादून में लाएं, उत्तराखंड में लाएं और यहाँ के लोग भी उस सुविधा को इंजॉय करें, उस सर्विस को इंजॉय करें। आलिया की कहानी देहरादून में नवाचार और तकनीकी प्रगति की एक जीवंत मिसाल है। इस तरह के उपक्रम न केवल ग्राहकों को एक यादगार अनुभव प्रदान करते हैं बल्कि ये भी दिखाते हैं कि कैसे तकनीक हमारे रोजमर्रा के जीवन में सुधार ला सकती है। इसलिए अगली बार जब आप देहरादून जाएं तो बीकानेर वाला में आलिया से मिलने ना भूलें। लोकल 18 देहरादून से हिना आजमी की रिपोर्ट।